Next, we are going to continue with exercise 4.2, question number 1, sum number 3. Under root 2x squared plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. That is our given quadratic equation. अब as per the rule, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ये first term और last term को multiply करेंगे. So, first term is root 2 and the last term is 5 root 2. ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई करो, 5 विल रिमेन एज इट इज एंड रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू दैट विल बी इक्वल टू 2. सो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10. अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 10, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो उन दोनों नंबर का एडिशन होना चाहिए 7. देखो फर्स्ट और सेकेंड में हमने क्या किया था कि दो ऐसे नंबर फाइंड किए थे जिनका सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म जितना आता था, पर यहाँ पे एडिशन मिडिल टर्म जितना आना चाहिए. द रीज़न इज यहाँ पे लास्ट में प्लस का साइन है, उन दोनों क्वेश्चन में लास्ट में माइनस का साइन था. दैट्स द डिफरेंस. ठीक है, तो अब दो ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 और प्लस करोगे तो 7. द फैक्टर्स विल बी 5 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 10, और 5 प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 7. अब हमें इस 7 का करना क्या है, हमें ये 7x की जगह पे 5x और 2x पुट करना है. ठीक है, लेट अस डू इट. फर्स्ट टर्म रूट 2x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, फिर प्लस का साइन है और ब्रैकेट बनाओ 5x प्लस 2x, बिकॉज हमें एडिशन 7 चाहिए ना, तो इट विल बी 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप रूट 2x स्क्वायर प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा. सो वी विल हैव प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. डन. अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम पहले तो x को कॉमन निकाल सकते हैं, और कुछ कॉमन आ नहीं सकता, सिर्फ x ऐसा है जो कॉमन आएगा. लेट्स टेक x एज अ कॉमन. बाय टेकिंग x एज अ कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव अंडर रूट 2. यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया है तो x बचेगा, और यहाँ से को x कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा. ठीक है, अब सी वी नो दैट रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करोगे तो 2 होता है. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ 2 हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम इस 2 की जगह पे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिखेंगे, और ये x जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट x विल रिमेन एज इट इज, दिस ब्रैकेट विल रिमेन एज इट इज, रूट 2x प्लस 5. अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस एज इट इज रखेंगे, और इन दोनों में से हम रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा रूट 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे बचेगा 5 इज इक्वल टू 0. डन. अब रूट 2 प्लस 5, रूट 2x प्लस 5, इनको कॉमन ले लो, सो दैट विल बी रूट 2x प्लस 5, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस रूट 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के साथ इक्वलाइज करो, तो फर्स्ट ब्रैकेट विल बी लाइक रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, द सेकेंड ब्रैकेट इज x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. नाउ रूट 2x विल रिमेन एज इट इज, टेक दिस 5 टू द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम नेगेटिव, सो इट इज माइनस 5. एंड अब ये रूट 2 को माइनस 5 के डिवीजन में ले जाओ, सो दैट विल बी माइनस 5 अपॉन रूट 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. और यहाँ से x इज इक्वल टू रूट 2 को माइनस राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, so that will be minus root 2. Clear? So we can write that roots are minus 5 by root 2 and second root is minus root 2. Clear?